अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, ईरान से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो काफिला था, जो हेलीकॉप्टर से जा रहा था, और वो हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया है। और अभी तक वहाँ पर कोई भी शख्स उनको बचाने के लिए नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से अभी तक उन लोगों को नहीं ढूंढा जा सका है। और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो लोग अभी तक ज़िंदा हैं या फिर वो मर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ये सारी घटना किस तरह से हुई, इसलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर हम आपको बता दें, अगर इसराइल का हाथ तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, यानी कि अगर इसराइल का हाथ हुआ इस हमले को लेकर तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर बोला हिजबुल्ला चीफ का बेटा हादी नसरुल्ला। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की घटना के बाद से ईरान में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। ईरानी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रेस्क्यू टीम अभी तक घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, इस बीच हिजबुल्ला चीफ के नेता हसन नसरुल्ला के बेटे हादी नसरुल्ला ने बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये घटना उस समय हुई जब रईसी अजरबैजान की यात्रा से लौट रहे थे। रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जिस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है उसमें इब्राहिम रईसी सवार थे या नहीं थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन खराब मौसम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हिजबुल्ला ग्रुप के नेता हसन नसरुल्ला के बेटे हादी नसरुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्ला ग्रुप के नेता के बेटे नसरुल्ला ने कहा कि यदि ईरान को एक भी सबूत मिल जाता है कि इस घटना के पीछे इसराइल का हाथ है, तो हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। इसराइल पश्चिमी फंडिंग और समर्थन से तृतीय विश्व युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है। बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे रईसी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रईसी रविवार सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीबे के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। जी हाँ, ये तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों से अरास नदी पर बनाया है। बांध का उद्घाटन करने के बाद रईसी ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में जा रहे थे। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, रईसी ने ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वहीं पर आपको बता दें कि रेस्क्यू में जुटी हैं कई टीमें। हाँ, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि वो राष्ट्रपति रईसी को खोजने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमों को लगाया भी जा चुका है और घटना स्थल पर कई टीमें जो हैं पहुंची हैं और संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर में रेस्क्यू टीम से संपर्क हो सकता है, जिसके बाद घटना से जुड़ी अधिक जानकारी सामने आ सकती है। मौसम ख़राब होने की वजह से टीम को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आपको हम बता दें कि अमेरिका में इमरजेंसी बैठक भी हुई है। ईरान राष्ट्रपति के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ईरान से लेकर अमेरिका तक इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ईरान में मंत्रियों के बीच अहम बैठक हो रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दूसरी ओर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना से चिंतित हैं। उन्होंने रईसी के सुरक्षित होने की कामना की है। तो दोस्तों, ये जो सारा मामला है ये रविवार की रात का है, यानी कि कल की रात का है। कल की रात में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो उस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और चार लोग उसमें और भी थे, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इस वक्त किस सूरत हाल में है, कहां पर हैं, कहां पर नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी ना तो डेड बॉडी मिली है और ना ही उनके ज़िंदा होने की कोई भी अभी दलील, कोई भी अभी सबूत मिला है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई ख़बर आएगी इंशाल्लाह हम आपको इस चैनल के थ्रू देंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।